हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ आप लोगों का एक बार फिर से सनोवर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम देखेंगे बाबर के बारे में, जो मुगल वंश का संस्थापक है, और पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आप वीडियो तक अंत तक बने रहें, लेक्चर में मजा आएगा अगर आप एंड तक बने रहेंगे, और पूरी जानकारी आपको इसके चैप्टर की मिलेगी। आइए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी, इनका जन्म तो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना जो वर्तमान में है, ये उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान फरगना। डेट याद रख सकते हो, हालांकि जन्म पूछता नहीं है, फिर भी याद रख सकते हो। वैलेंटाइन डे का दिन है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। पिता उमर शेख मिर्जा या मिर्जा उमर शेख, और ये तैमूर रंग के वंशज थे। माता कुतलुग निगार खानम, और ये चंगेज खान के वंशज थे। अब आप लोगों ने देखा होगा, तैमूर रंग और चंगेज खान दोनों ही लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, और जिधर भी इनकी सेना जाती थी तो ये बहुत अधिक मारकाट करते थे। जैसे तैमूर रंग जब भारत में आया था, ये 1398 ईस्वी में, तो इसने दिल्ली में काफी मारकाट की थी। इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली में लगभग एक महीने तक चिड़िया में भी पर नहीं डुलाया था, क्योंकि इतनी सड़ांग फैल गई थी। तो उन्हीं दोनों के वंशज थे। हालांकि बाबर ने अपना आप को जो है तैमूर का वंशज ज्यादा बनवाया चंगेज खान की अपेक्षा। 1494 ईस्वी में ये फरगाना के गद्दी पर बैठा। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठे मात्र 11 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था? 11 वर्ष की अवस्था में। प्रारंभिक संघर्ष 1494 ईस्वी में इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन उस पर अपना अधिकार नहीं कर पाए। 1497 ईस्वी में समरकंद को इन्होंने जीत लिया, फिर आक्रमण करा और उसे जीत लिया, लेकिन मात्र 100 दिनों के लिए। 100 दिनों के बाद ही समरकंद इनसे निकल गया था। फिर 1501 ईस्वी में पूरे समरकंद को इन्होंने जीत लिया। अब कितने दिनों के लिए? 8 माह के लिए। अब समरकंद इनसे बार बार ही जीतते थे और निकल जाता था। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता, और 1507 ईस्वी में काबुल को फिर जीता इन्होंने। उसके बाद पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की तो पूछ लेता बाबर ने पादशाह की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी? तो 1507 में काबुल को जीतने के बाद। अब जब ये सारे युद्ध होते हैं और समरकंद वगैरह जीत के बार बार ये हार जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? ये भारत पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं इस साइड में पश्चिम की ओर, तो वहां पर शक्तिशाली शासक ये होते हैं, इसमें भी समरकंद में भी ईरान में भी। तो ये बाबर सोचते हैं कि अगर मैं इसकी अपेक्षा भारत की ओर बढ़ता हूँ तो मुझे हो सकता है कामयाबी मिले, और वो ही इन्होंने फायदा उठाया, पश्चिम के बजाय पूरब की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो 1519 ईस्वी में बाजोर और भैरव को जीता और यहाँ से वापस चले गए। भारत के क्षेत्र है जो पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र ही है। 1519 ईस्वी में ही पेशावर पर आक्रमण कर लिया और उसे जीता। 1520 ईस्वी में सियालकोट को जीत लिया। 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग पर फिर अपना अधिकार कर लिया। अब भारत में इनके द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध, तो पहला युद्ध लड़ा था भारत में इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध। अब भारत में कैसा है इसके लिए भाई कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा। जैसे इतिहासकार है पुनिया, तो पुनिया जी अपनी किताब में लिखते हैं पेज नंबर 122 पर कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे। चाचा का नाम था आलम खान, आलम खान, और एक पंजाब का शासक था दौलत खान। इन दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आमंत्रित किया था कि आप आओ और इब्राहिम लोदी को पराजित करो, हम आपकी सहयोग करेंगे, और इस वजह से आपका जब सहयोग करेंगे तो आप इसे हटा दोगे और आपका दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत गोपीनाथ है, एक गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के इतिहासकार, तो वो अपनी किताब के पेज नंबर 214 पर लिखते हैं कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था? बाबर को किया था मेवाड़ के शासक राणा शाह ने कि आप आओ
और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दो और आपका सहयोग हम करेंगे। हालांकि उसमें मतभेद है, अब वो उसमें जो भी सही है वो ही सही होगा, हालांकि यहाँ से एग्जाम में पूछता नहीं है। अब देखो देखते हैं पानीपत का पलटा युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का एक ऐसा शासक हुआ है जो युद्ध स्थल में मारा गया। इससे पहले जितने भी सल्तनत काल के शासक आए हैं लेकर गुलाम वंश है और लोदी वंश तक कोई भी शासक युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा युद्ध पद्धति पे तोपों का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ, बाबर के घोड़े और हाथियों ने तो तोपों की आवाज सुन रखी थी, लेकिन भारत के जितने भी सैनिक थे उनके जो घोड़े थे और हाथी थे उन्होंने तोपों की आवाज नहीं सुन रखी। जैसे ही तोपों का प्रयोग हुआ, आवाज आई, उनके धमाके हुए, तो इब्राहिम लोदी की सेना के जो हाथी थे वो भड़क उठे और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया और बाबर की जीत हुई और ये युद्ध चला तो बैर था। फिर दूसरा युद्ध लड़ा था इन्होंने और क्या बाबर ने साथ ही साथ बाबर के दो प्रमुख तोप जीते हुई उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफा, उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि जो रूमी विधि कहलाती है उसका प्रयोग किया गया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपने सरदारों में उचित इनाम बांटा, जब इनाम बांटा और अपने पुत्र अर्थात हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा वर्तमान में अंग्रेजों के पास है, ब्रिटेन में है, जो शाहजहां के पहले शाहजहां ने अपने तख्ते ताउस में गिराया था। बहरहाल कोहिनूर हीरा दिया, तो ये सारी चीजें जब इसने दी बाबर ने और अपने सरदारों में बांटी तो इसकी वजह से बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई कि ये कलंदर है, दान करने वाले हैं। तो कलंदर के नाम से कौन जाना जाता है, बाबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएसआई में पिछली बार पूछ चुका है 2014 के एग्जाम में कि कलंदर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो वो कौन जाना जाता है, बाबर। फिरोजा खानवा का युद्ध, अभी जैसे मैंने बताया कि खानवा का युद्ध लड़ा किससे, लड़ा था राणा सांगा से। इससे पहले जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो बाबर ने अपनी किताब तुजू के बाबरी में लिखा कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के विरोध और मुझे मदद देने के लिए कहा था। जब मेरी सेना पानीपत के युद्ध में पहुंची तो राणा सांगा के वहां पर कोई भी ना तो लौटने का संदेश आया और ना ही उसकी सेना का सहयोग मुझे मिला, इसीलिए मैंने फिर राणा सांगा के खिलाफ भी युद्ध करने की घोषणा कर। राणा सांगा जो थे बहुत मजबूत शासक थे और हालांकि ये इनके शारीरिक रूप से विकलांग थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक टांग भी नहीं, टांग में चोट नहीं थी, उसके बावजूद ये शक्तिशाली शासक थे, बहुत महान शासक थे। उस तो इसने बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, साथ ही साथ अपने सैनिकों में उचित भाषण दिया और लेक्चर दिया और कहा अगर हम इस युद्ध में जीते गए तो हम गाजी कहलाएंगे और मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे, जिसकी वजह से सैनिकों में जोश भर गया। साथ ही साथ इसने कसमें भी खिलाई कि कोई भी सैनिक भागेगा नहीं, मरते दम तक आखिरी सांस तक वो युद्ध लड़ेगा। तो फिर इसी बीच में दोनों में आपस में युद्ध होता खानवा का युद्ध, दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं 16 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती है और बाबर की जीत होती है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो पूछ लेता ऑप्शन में गाजी की उपाधि धारण बाबर ने कौन से युद्ध के बाद की थी, तो वो की थी खानवा के युद्ध के बाद। फिर आधा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मैदनी राय से। अभी मैदनी राय को थे, तो मैदनी राय जो थे ये जो राणा सांगा थे इन्हीं के एक सरदार थे और इन्हीं के नाम से चंदेरी में राज कर रहे थे और उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था, जिसकी वजह से बाबर ने इनका आरोप लगाया और इनके विरोध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया
और इस युद्ध को उसने राजनीति से धार्मिक युद्ध में बदल दिया। तो धार्मिक युद्ध में बदल दिया उसने शराब रापते, हालांकि वो इस वाले में भी किया था, जो शराब के बर्तन थे वो सारे फेंक दिए थे और कहा था मैं आज के बाद कभी शराब का प्रयोग नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। तो जिसकी वजह से उसके सैनिकों में भी जोश आ गया, पहले वो डर रहे थे दाड़ा साहब से भी युद्ध करते हुए, जब इसने लेक्चर दिया तो इसकी वजह से वो युद्ध करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बाबर में काफी गुण थे, ये शक्तिशाली भी बहुत था, दो लोगों को अपनी बाहों में दबाकर किले की दीवार पर रेस लगा लेता था, ऐसा इसने अपनी तजुर्बे किताब में लिखा है। साथ ही साथ ये जो था ये कुशल योद्धा भी था और कुशल नेता भी था। नेता मतलब लेक्चर ऐसे देता था जिससे लोगों में, इसके सैनिकों में जोश भर जाता। महाराज चंदेरी के युद्ध में मैथिली राय भी मारे गए और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। फिर आता घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ 6 अप्रैल 1529 ईस्वी में। ये हुआ था अफगानों के विरुद्ध। अफगानों के विरुद्ध जो था तो हम देखा गए जो ये था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी। क्या नाम था उसका? महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के मध्य हुआ था ये, क्योंकि महमूद लोदी बिहार में चला गया था और वहां से बाबर को काफी परेशान कर दिया था, कुछ ना कुछ हरकत वो करते रहता था। तो बाबर ने क्या करा, उसको भी उससे भी युद्ध करने के लिए घोषणा कर दी और दोनों भी सेनाएं घाघरा नदी के किनारे पर आमने सामने आ गई, अर्थात बिहार में घाघरा नदी के तट पर, और युद्ध होता है और इस युद्ध में महमूद लोदी भी मारा जाता है और बाबर की पूर्ण जीत हो जाती है और बाबर का जो है भारत पर अधिकार हो जाता है। और ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अब आपका एक ऑप्शन ये भी आता है कि बाबर द्वारा सब मजबूत वाला जो जिसकी वजह से वो भारत में टिका था तो वो कौन सा युद्ध था, तो वो युद्ध कहलाता खानवा का युद्ध। इसके बाद वो भारत में शक्तिशाली हो गया था। हालांकि यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, आइए आगे देखते हैं। बाबर देखो आगे देखते हैं, बाबर ने पद में मुमयान को लिखा और ये मुमयान जो है ये इस्लामी कानून के रूप में भी किताब का प्रयोग किया गया है इसका भी, इस्लामी कानून। के रूप में भी बनाया। देखो तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी लिखी थी इसने तुर्की भाषा में, लेकिन जब अकबर का शासन काल आता है तो अकबर के एक नवरत्न है अब्दुल रहीम खान खाना, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया। कौन सी भाषा में कर दिया? फारसी में किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो पूछ लेता तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने कराया, तो अकबर ने। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। आगरा में ज्यामितीय विधि पर मूरे अफगान नामक बाग लगवाया था, जो बाद में जो वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। आराम बाग कहाँ पर है? तो ये है आगरा में, और इसका ये किसने लगवाया था? तो ये लगवाया था बाबर ने। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई और इसे जो दफनाया गया था तो आराम बाग में ही दफनाया गया था। कहाँ पर? आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन हुआ क्या, इसने दफनाया वसीयत की थी, वसीयत में कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा मकबरा या मुझे दफनाया जाएगा तो वो काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में क्या हुआ, एक महीने के बाद मकबरा, एक महीने के बाद इन्हें निकाला जाता कब्र से और काबुल पहुंचा दिया जाता है। तो कहां पर है इनका वर्तमान में मकबरा? काबुल। तो ध्यान रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में, बाबर का मकबरा काबुल में, पहले कहां दफनाया था प्रारंभिक रूप में? आगरा में, उसके बाद काबुल में। यहां से आपके जो भी ऑप्शन बनते हैं तो मुझे उम्मीद है कोई ऑप्शन आपका छुटेगा नहीं। बस एक दो बार आप लेक्चर देख लेना और जो भी आपकी प्रमाणित बुक है उनमें भी देख लेना, उनसे भी पढ़ लेना। कब किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।